एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल स्टोरी। ये मेरे करियर से रिलेटेड है और कुछ मतलब स्पेशल है इसमें। और स्पेशल इसमें इसलिए कुछ है क्योंकि जब मैंने कुछ सालों पहले मतलब 7 साल पहले अपना ब्लॉग चालू किया था, ब्यूटीफुल हमेशा blog.com, जी हाँ ये उसका नाम है, तो इसे जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर मेनली मैं बहुत सारे ब्यूटी मेकअप रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिव्यू लिखती थी और ब्यूटी मेकअप रिलेटेड कुछ पोस्ट भी लिखती थी। तब मैं अकेली थी, फिर धीरे धीरे मेरे बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और साथ ही साथ आज के दिन में मैं आपको बोल सकती हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड के राइटर्स मेरे ब्लॉग के लिए लिखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मेरा ब्यूटीफुल हमेशा blog.com जो है एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन चुका है आज के दिन में। मैं मेरे ब्लॉग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा, बट अगर आप मेरा ब्लॉग पेज जाकर चेक करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ होगा कि मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रही हूँ। और ये जो वेबसाइट है, जब मैंने स्टार्ट की थी तब धीरे धीरे इसमें कंटेंट बढ़ता गया और आज अगर मैं आपके साथ इस ब्लॉग की एक छोटी सी बात बताऊँ तो वो ये है कि इस पर मोर देन 5000 मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू और मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि कुछ मैंने लिखे हैं और बहुत सारे मेरे अलग अलग जगह से राइटर्स ने लिखे हैं, तो चेक ज़रूर करिएगा। लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तब जब मैंने ये ब्लॉग पेज चालू किया था तब मुझे फ़र्स्ट टाइम किसी ने कांटेक्ट किया था एक कैंपेन के लिए। जी हाँ, जो हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं ना, उस चीज़ के लिए कांटेक्ट किया था, वो था फैबबैक। तब था फैबबैक का आई थिंक फर्स्ट और सेकंड एनिवर्सरी और मैं फैबबैक को तब से जानती हूँ जब फैबबैक था वेलवेट बैग। जी हाँ, पहले फैबबैक नहीं था, तब वेलवेट बैग था, फिर वो फैबबैक हो गया। और मैंने पहले अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन ली थी 6 महीने के लिए, बट जब मेरा फैबबैक के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ तब क्या बोलते कि उन्होंने मुझे हर मंथ फ्री में ये जो बैग है ये भेजना चालू किया। बेसिकली ये एक ब्यूटी बैग है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ कलर का हर मंथ आपको मिलता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है। ये सब्सक्रिप्शन बैग जो है, ये मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे सैंपल आइटम्स और कुछ फुल साइज़ वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं ब्यूटी और मेकअप रिलेटेड के, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनकी वेबसाइट जो fabbag.com वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और ये वेबसाइट मेरे दिल के बहुत पास में है और ये फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बैग था जिसे मैंने अनबॉक्स भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले मैं रेगुलरली हर मंथ इस बैग के लिए वीडियो बनाती थी, फिर धीरे धीरे लाइफ इतनी बिजी होती गई, शेड्यूल टाइट होते गए, तो फिर नहीं किया मैंने ज़्यादा फैबबैक के लिए काम। पर आज जब फैबबैक के 7 साल पूरे हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली मुझे फैबबैक के लिए काम करना चाहिए और एक बार, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मुझे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने बोला येस वाई नॉट, मैं आपके लिए डेफिनेटली काम करूँगी, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ब्रांड कोलाब्रेशन है वो था फैबबैक। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फैबबैक को मैं यही विश करूँगी कि ऐसे ही बहुत सारे साल फैबबैक अपने लाइफ में सेलिब्रेट करे और बड़ा हो जाए। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वैसे ही मैं ब्यूटी और मेकअप लवर हूँ और इसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मतलब देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले कुछ इस तरह के कार्ड्स आपको हर मंथ मिलते हैं जिस पर आपका नाम भी लिखा रहता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर किरण लिखा है। टोटल मुझे 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट इसके अंदर रिसीव हुए हैं और इस मंथ का जो थीम है वो है द मेड इन 7 सेप्टेम्बर फैबबैक। ओके, सो ये है हाउ टू पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट कार्ड। और मैं आपको बता दूँ कि हर मंथ फैबबैक आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए बोलता है, जहाँ पर आपको अपना फैबबैक का पिक्चर अच्छे सा शेयर करना होता है। और आप जब शेयर करते हैं तो मतलब ये आप अगर फैबबैक ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको एक ब्यूटी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे इस मंथ शुगर की ये जो लिपस्टिक है वो मिलने वाली है। सो बस पिक्चर आपको आपके फैबबैक की शेयर करनी होती है हैशटैग के साथ, क्योंकि हैशटैग के ही बेसिस पर फैबबैक चेक करता है कि किसने किसने ये पिक्चर पोस्ट किया। पहले मैं बहुत करती थी
मैंने तो ये 4-5 बार जीता हुआ है, ये हैशटैग यूज़ करते हुए फैबबैग को टैग करना है और एक अच्छी सी फैबबैग की पिक्चर शेयर करना है, तो ये मैं पहले करती थी पर अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाती। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे हाथों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डब्लू स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये डब्लू के ऊपर 2 लिखे तो स्क्वायर ही हुआ, इसे क्या प्रोनाउंस करना है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये है नीम टर्मरिक फेस वॉश, डी पिगमेंटेशन एंड प्रिवेंट्स एक्ने, 100 ग्राम की ये एक फेस वॉश की ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिला है गार्नियर का सेरम मास्क, और ये शीट मास्क मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहती थी। मैं रिसेंटली मेडिकल गई थी तब मुझे मन भी हो रहा था कि ये मैं ख़रीद लूँ, बट देन मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे शीट मास्क रखे हुए हैं तो इसे फिर जब वो ख़त्म हो जाएंगी तब ख़रीदूँगी। ये 15 मिनट्स के लिए आपको लगाना है, ये सेरम मास्क है और ये एक ही है इसके अंदर, और ये 99 रुपीज़ का है। उसके बाद यहाँ पर निर्वाणा का हेयर डिटैंगलिंग स्प्रे है, और ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है, वो क्यों मैंने आज लगाया है मेरे बालों में आप हल्की सी शाइन भी देख सकते हैं, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मुझे काफ़ी भा गए हैं, इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही सूदिंग है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ मुझे मिला है ये क्या है मैं आपको बता दूँ, ये है प्रेस ग्लिटर, और ये TS कॉस्मेटिक्स का है ग्लिटर बॉम। मैंने इस तरह के प्रेस ग्लिटर पहले भी यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपको प्रेस ग्लिटर पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और ये जो शेड है ये है कैपेचिनो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रॉन्जी सा शेड, ये आंखों पर लगाने के बाद जो आई मेकअप दिखता है, ओ माय गॉड बेस्ट दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और सबसे लास्ट में एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मेरे दिल को बहुत भा गई है, जो मुझे इस फैबबैग में मिली है, वो है शुगर कॉस्मेटिक का ये मिनी बॉक्स। ये मिनीज है क्या मैं आपको खोल कर दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर का ये निकाला, और ये एक टीन का डिब्बा है, और जब इस डिब्बे को मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड गाइस, ओके, यहाँ पर आपको ये स्मज मी नॉट रेंज की 4 लिक्विड लिपस्टिक मिलेंगी, और ये ट्रैवल साइज वाली है, छोटी छोटी साइज की है, और इसमें वो सारे शेड है जो मेरे फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मेरा वाइन शाइन है जिसका लिप स्वैच मैं यहाँ पर लेकर घूम रही हूँ, क्योंकि ये जब आया था तब मैंने एक बार लगा कर देखा था, तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे साइज में है ये मिनीस, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी को 1000 रुपीज़ में 4 शेड लेने हैं तो डेफिनेटली वो ये बॉक्स ट्राई कर सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये शुगर कॉस्मेटिक का 1000 रुपीज़ का बॉक्स तो इस बैग में आ गया है, और इस बैग की जो वैल्यू है वो 1000 से भी कम है, और बाकी प्रोडक्ट्स तो अभी तक मैंने काउंट भी नहीं किए, मतलब एक प्रोडक्ट ने ही आपके पैसे वसूल कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी फैब बैग में मिली है बहुत सालों के बाद, आई थिंक मैंने 1.5 साल के बाद फैब बैग को अनबॉक्स किया है, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मेरी वो जो ओल्ड मेमोरीज थी फैब बैग को अनबॉक्स करने वाली, वो एकदम ताज़ा हो गई। एंड कहीं अगर आपने मेरे पुराने वाले फैब बैग अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है, नहीं देखे हैं तो भी बताइएगा, और देखे हैं तो भी बताइएगा। सो वंस अगेन मैं फैब बैग को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी उनके 7 साल पूरे होने पर, और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही बहुत सारे साल हम सब मिलकर फैब बैग के सेलिब्रेट करें। तो चलिए फिर, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो फैब बैग है आपको फैब बैग के वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं बता दूँ, मैं वैसे पेड वीडियोज़ करती नहीं हूँ पर ये बिल्कुल पेड नहीं है, तो पेड ना होकर भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है इस बैग को अनबॉक्स करने में कि मैं क्या बताऊँ। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।